असलम दोस्तों मैं आपको परफेक्ट वेब सोलूशन की तरफ से एक दफ़ा फिर इस लाइव स्ट्रीम में बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कंटिन्यूस लाइव स्ट्रीम में खुश आमदीद कहता हूँ येस्टडे uh, हमने एक लाइव स्ट्रीम की जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किए और इस दफ़ा इस लाइव स्ट्रीम में मैं चाहता हूँ कि आपके जो कोई भी क्वेश्चन हो मैं उनका रिप्लाई करूँ तो इसलिए मैं और कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी व्हाट्सएप uh, ग्रुप में भी और uh, इंस्टाग्राम पर भी कि आज लाइव आएं तो मैंने कहा चलो शायद उनके कोई क्वेश्चन होंगे तो इसलिए मैं फिर आज सरप्राइजिंगली लाइव आ गया तो और यस्टरडे का जो रिस्पांस था लाइव स्ट्रीम का इट वाज रियली गुड और सब दोस्तों को सलाम और जिन जिन्होंने सलाम किया है वाले कासिम अली असद मुश्ताक और वालेकुम सलाम जी वालेकाम टेक आई एम फाइन कासिम अली कल आपसे काफ़ी डिटेल में बात हुई थी तो कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की शायद उनके कुछ क्वेश्चन है तो मैंने कहा बजाय इसके कि नेक्स्ट वीक तक वेट किया जाए मैं आज ही लाइव आ जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ थोड़ी सी कुछ सेरेमनीज़ हैं उनको अटेंड करना है तो आई माइट नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक तो मैंने कहा चलो फिर आज ही लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके मैं आंसर कर दूं। जी थैंक यू वेरी मच सचिन तो अब आप क्वेश्चन इस वक्त सात लोग हमें लाइव देख रहे हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है आ, मतलब वेब से रिलेटेड फ्यूचर से रिलेटेड 2021 से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेशली वेब से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी जो इसके अलावा टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ए है आई है इनके बारे में भी आप ना क्वेश्चन कीजिएगा वेब से रिलेटेड मेरा मकसद है क्वेश्चन सॉरी <coughs> जी थोड़ा सा मैंने माइक म्यूट कर लिया था काफ की वजह से तो इस वजह से ओके जी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सचिन कह रहे हैं कि क्या वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है तो मैं बताता चलूं सिक्योरिटी क्या चीज होती है पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज है जब तक स्पेशली इंटरनेट पर वो सिक्योर नहीं है किसी भी सूरत में बेशुमार उस पर आप लगा सकते हैं सिक्योरिटीज लेकिन जिनको जिसने ब्रेक करना है फिर उसने मेहनत करनी है और ब्रेक करना है सिक्योर कुछ भी नहीं है ठीक है और दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड प्रेस को ले लें लारावल को ले लें या आप इवन जेंगो या पाइथन को भी ले लें एवरीथिंग इज हैकेबल ये अगर कोई क्लेम करे कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता इवन अगर आप हैक ना भी कर सकें देर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक ब्रूट फोर्स अटैक है लाइक मतलब इस तरह के, के कुछ अटैक्स किए जाते हैं ब्रूट uh, फोर्स के अलावा आईपी uh, के जरिए आपके जो रिक्वेस्ट हैं काफी सारी सेंड की जाती हैं जिससे आपका सर्वर डाउन हो जाता है सो देर आर मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन अगर इवन अगर आपका सोर्स कोड सिक्योर ना हो हो लेकिन इन दैट केस अगर मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड प्रेस इज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म तो ये भी गलत नहीं होगा अब सिक्योर किस परस्पेक्टिव से मैं कह रहा हूँ सिक्योर इस से कह रहा हूं कि आप किसी भी कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द कोर फंक्शनैलिटी मतलब जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी है वो एज इट इज काम करेगी और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक अब आप जब उसको मॉडिफाई करते हैं तो जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स उसने रखे हैं वो आप शायद ना रखें हो आपने तो जिसकी वजह से देर वुड बी अ हैकिंग स्पेशली जब आप फॉर्म्स वगैरह लगाते हैं जैसे मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म सेवन के बारे में बताया अगर आपने वहां पर कोई अपलोडिंग का फीचर लगाया फाइल अपलोडिंग और आपने उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं लगाई हुई तो मे भी कोई आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल अपलोड कर सकता है कोई पी एच पी की फाइल आपके अपलोड के फोल्डर में सेव करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है सो दीज थिंग हैपन दूसरा वर्ड पर सिक्योर उनके लिए नहीं है जो कि पायरेटेड प्लगइन्स या थीम्स वगैरह यूज करते हैं या जिनका कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो नहीं करता देयर कोड माइट गेट हैक्ड एज़ वेल सो कोड हैक होता है वर्डप्रेस या वर्डप्रेस या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैक नहीं होते है, मतलब जो आपने कोड लिखा है उसको कुछ टारगेट अचीव करने के लिए वो हैकेबल है वो कोड हैकेबल है उसमें अगर आपने सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया इवन आपकी डेटाबेस हैक हो जाती है mysql हैक हो जाती है सिंपल आंसर ये है कि कोई कुछ भी सिक्योर नहीं है और इज़ अ सिक्योर द सेम टाइम अच्छा यहां पर जकाउल्ला कह रहे हैं कि एनेबलर्स रियल है या फ्रॉड है देखिए एनेबलर्स के बारे में मैंने थोड़ी सी वीडियोस देखी हैं अब जो एनेबलर्स किस टॉपिक पे बात हैं बेसिकली अगर देखा जाए इथिकली तो जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो एनेबलर्स भी गलत नहीं है दोनों ठीक हैं अपनी जगह पे सो इनके बारे में मैंने खैर इतना सर्च नहीं किया एनेबलर्स के बारे में कि है क्या, क्या, क्या ये करना चाह रहे हैं तो मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि इनकी इनका जो स्पेशली एक, एक एक्सट्रीम ई कॉमर्स और अमेजोन से रिलेटेड कुछ इनके कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं जहाँ पे मैंने सुना यह है कि दे मतलब लोगों को सबज बाघ दिखाकर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं मतलब अगर वो खुद इतने सक्सेसफुल हैं तो फिर इस तरह के कोर्सेज बनाने का uh, मतलब इतनी प्राइस रख के कोर्सेज बनाने का कोई थक नहीं बनता रखे प्राइस मैं ये नहीं कहता ना रखें लेकिन कोई रीजनेबल प्राइस रखें एंड आई थिंक द प्राइस दे आर चार्जिंग इज नॉट रीजनेबल ट्वेंटी टू फोर्टी थाउजेंड आई थिंक दे आर चार्जिंग है ये तो उनका अपना परस्पेक्टिव है वो किस परस्पेक्टिव से इतनी अमाउंट चार्ज करते हैं अच्छा कसम अली कह रहे हैं कि सर और फंक्शन में फंक्शंस डिफाइन करने के बारे में मेथड्स हैं उनको पैरामीटर भी बहुत मैथड से पास किए जाते हैं वो बड़े कंफ्यूज करते हैं मुझे जी कोई बात नहीं अगर कंफ्यूज करते हैं सो कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट यू आर ट्राइंग समथिंग सो कीप ट्राइंग एंड डेफिनेटली सूनर और लेटर यू विल गेट इट बहुत जल्दी आप उसको अचीव कर लेंगे ये जो कंफ्यूजन होती है ना ये आपकी लॉजिक को इम्प्रूव करती है या तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे या आप अपनी लॉजिक इंप्रूव कर लेंगे सो so, कंफ्यूजन का पहला जो मतलब होता है वो ये है कि इट इज द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लॉजिक इसका मतलब है आप लॉजिकली चीजों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज द दिंक इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड अच्छा सचिन कह रहे हैं फिर लोग क्यों वर्डप्रेस से वेबसाइट पर नहीं जाते जबकि जल्दी बनता है लेस कॉस्टली तो फिर क्यों कस्टम डेवलपमेंट पर दो तीन लाख बिगाड़ते हैं और एक साल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये अपनी अपनी साइकोलॉजी है अपने अपने सोचने का अंदाज है कौन किस चीज को लेके चलते हैं हम एज अ कंपनी परफेक्ट वेब सोलूशन में हम प्रोजेक्ट्स करते हैं और जितने भी हम प्रोजेक्ट करते हैं वो वर्ल्ड प्रेस में ही करते हैं और हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं यूएसए से मिल रहे हैं यूरोप से मिल रहे हैं ब्रिटेन से मिल रहे हैं मिल रहे हैं प्रोजेक्ट तो देर आर कंपनीज जो ये चाहती हैं कि उनको ऐसे डेवलपर्स मिलेंगे जो कस्टम कोडिंग करें तो इसमें खर्च कोई नहीं है मे बी के वो ये चाहते हैं कि तमाम की तमाम जो कोडिंग हो ना दे ओन इट मतलब उनके वो ओनर हो अगर वो वर्डप्रेस प्रेस में काम करते हैं तो वर्डप्रेस प्रेस का एक ओपन uh, कह लें कि क्या कहते हैं इसका लाइसेंस जो है वो वो ओपन है मतलब ओपन सोर्स लाइसेंस है इसका सो देट कैट बी द रीजन तो इस वजह से शायद ये इस तरीके से सोचते होंगे लेकिन मेरा नहीं ख्याल काफी सारी कंपनी स्टिल वर्क विद प्रेस यूनिफाइड हेल्पर कैरेंटी इन द रेस्ट फुल एपीआई बोथ पब्लिक एंड सीक्रेट कीज यूजिंग पीएचपी। डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं जेसन वेब टोकन को यूज किया जाता है पैकेज को पी के अंदर ताकि आप उनको ऑथेंटिकेट कर सके अब exactly अगर यूज कर so करेंगे और अपनी ही क्रिएट की, की इनक्रिप्ट करेंगे फिर उनको अपनी ही लॉजिक से एक डिक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद उसको आपके बाकी वो की सही है या नहीं और मोस्टली एपीआई में जो है वो ए पी आई के ऑथेंटिकेशन के लिए जो कीज दी जाती है हेडर्स header, में दी जाती है मतलब जो ए पी आई के हेडर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है उसके हेडर्स में वो कीज सेंड की जाती हैं और फिर आप अपने कोड में उन उस हेडर को एक्सट्रैक्ट करके उस की को डिक्रिप्ट करके अपने पास चेक करते हो अगर वो की वैलिड है तो वो जो रिकॉर्ड चार है आपसे जो ऑथेंटिकेशन के बाद वो रिकॉर्ड आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छा ये बहुत से ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया कि जी क्या हम लारावल में दो तीन लाख यूजर हैंडल कर सकते हैं देखिए वर्ल्ड में भी आप कर सकते हैं हैंडल अगर आपका जो होस्ट है वो अच्छा है बेसिक बिहाइंड द सीन आपकी जो रिक्वेस्ट को हैंडल करना है उसकी मेमोरी मैनेजमेंट है ऑल दो आई नो के जो वर्ल्ड प्रेस है उसकी मेमोरी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली जो फ्रेमवर्क्स हैं एम या आप वनीला कोर में काम करते हैं तो इन दैट केस हो जाता है कभी कभी ऐसा कि आपकी जो एक पीक लेवल पे यूजर्स है उनको हैंडल नहीं किया जा सकता ड्यू टू समसरी डाटा इज बिंग लोडेड इन द मेमरी लेकिन अगर आप उसकी मेमरी इंप्रूव कर लेते हैं सो so डेफिनेटली आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं इतने ही बल्कि इससे ज्यादा यूजर्स को भी हैंडल कर सकते हैं अच्छा तो हसन कह रहे हैं कि जी वर्ड प्रेस एडवांस सीखना हो तो क्या सीखना होगा सबसे पहली चीज़ कोडेक्स डॉट वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी को आप स्टडी करेंगे उसको देखेंगे उसमें उसके बाद वर्ड प्रेस की हुक्स के बारे में समझेंगे कि हुक्स क्या होती हैं कैसे काम करती हैं और वर्ड प्रेस किस टाइप की हुक्स एटलीस्ट आपको उनका ओवरव्यू होना चाहिए कि, कि कितनी हुक्स हैं और उन हुक्स की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन हुक्स को यूज़ कर सकेंगे

इस्तेमाल किया मैं उसकी दूसरी हुक भी यूज कर सकता था डब्ल्यू पी फुटर भी यूज़ कर सकता था उसके अलावा भी काफ़ी सारी मैं अपनी हुक क्रिएट कर सकता था लेकिन मैंने डब्ल्यू पी हेड की यूज़ की और मेरा टास्क वो सही काम किया उसमें कोई इशू नहीं है कि जैसे ही डब्ल्यू पी हेड का फंक्शन कॉल होगा डू एक्शन वाला वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा तो ये चीजें हुक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है अब एडवांस देखिए Uh, मैं लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी इस पर बात कर चुका था कि एडवांस जो चीज होती है वो ये होती है कि किसी टारगेट को आप कैसे अचीव करते हैं या कितने अच्छे तरीके से अचीव करते हैं या आप ये कह लें कि कोई भी मॉड्यूल है उसको ब्रेक डाउन करके कोई प्रोजेक्ट है उसको ब्रेक डाउन करके कैसे आप सॉल्व करते हैं टेक्निक इज बेसिकली एडवांस टेक्निक बाकी टूल सेम होता है वर्ड प्रेस है चाहे वो लारावल uh, है चाहे वो पी है टूल सेम होगा अब आपकी लॉजिक है आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो जितनी एडवांस होंगी उतने ही आप एडवांस होंगे उस पर्टिकुलर टूल को यूज करने में अच्छा अरफात कह रहे हैं सर व्हाट टेक्नोलॉजी शुड आई चूज फॉर द फॉर फर्स्ट जॉब नोडल और लार्वल देखिए अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से आई एम नॉट श्योर मैंने इसके लिए लास्ट लाइव स्ट्रीम में बताया था अगेन बता देता हूँ कि जो क्या कहते हैं उसको गूगल का जो कीवर्ड सॉरी कीवर्ड प्लानर कह रहा हूं गूगल ट्रेंड्स है ना उसको आप एक दफा देख लें और लास्ट ट्वेल्व मंथ मतलब अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्टार्ट हुआ तो ट्वेंटी ट्वेंटी में देख लें नोड और लारावल को कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान में नोड इज नथिंग कोई भी नोड पे काम नहीं कर रहा है इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है नोड पे बल्कि लारावल पर ज्यादा इस पर ट्रेंड है जबकि इंडिया में नोड और लारावल दोनों कंपैरेटिवली सेम जा रहे हैं अब चाहे तो नोड भी चूज कर सकते हैं लारावल को भी एज योर फ्यूचर टूल तो जो भी आप चूज करना चाहे कर सकते हैं जी एजाज वाले माई क्वेश्चन इज विच फ्रेमवर्क इज बेस्ट फॉर फ्यूचर स्कोप लारावल अच्छा मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टूल बेस्ट नहीं होते स्टिल पीपल आर मेकिंग गुड प्रोजेक्ट इन कोटर थ्री इवन जो है कोर्गिनेटर फोर मार्केट में आ चुका है लेकिन स्टिल कोर्डिनेटर थ्री इज वर्किंग सो टूल इंपॉर्टेंट नहीं होता एक एस्पेक्ट तक इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली में ये क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये गलत होगा लेकिन एक्चुअल चीज जो होती है वो आपकी स्किल होती है आपकी लॉजिक होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है तो दैट थिंग मेक्स योर प्रोजेक्ट या योर टूल मोर वर्थ वाइल रैदर देन शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर ठीक है तो होपफुली आपको इसका समय इसका समय लगेगा स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो जी वाले जी हेलो अरुण एंड थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन कर लिया सर लारवल अच्छा लारवल सिक्योरिटी पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जैसे वो ईगर लोडिंग है वो इसके अलावा वो क्यूरी से रिलेटेड है तो इसके अलावा और तो इसमें ऐसी कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती सिक्योरिटी जो होती है वो यही यह है कि आपने जो कोड लिखा है अगर आप ओ आर एम को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऑलरेडी लारावल उसको सैनिटाइज करके क्यूरीज को रन करता है और चूंकि वो पीडीओ यूज कर रहा है बिहाइंड द सीन या माई एसक्यूएल आई को भी अगर यूज कर रहा है सो वो प्रॉपरली उसको सैनिटाइज कर रहा है इसलिए ज्यादा इशू नहीं है लेकिन अपनी क्यूरीज को आप डेफिनेटली एक दफा जरूर चेक कर लें कि जब आप एक वेरिएबल में डाटा ले रहे हैं तो उस वेरिएबल को आपने एक दफा चेक करना है कि उसका जो डाटा है वो प्रॉपर वही है जो आप एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या उसके अलावा कुछ और है अच्छा यूसुफ खान ने एक क्वेश्चन यहां पर भी पूछा और थिंक इन्होंने कमेंट भी किया था कि आर फाइल जो कि आई थिंक वर्ड की फाइल होती है टेम्पलेट फाइल होती है और टेक्स्ट फाइल एंड आल्सो हाउ टू कन्वर्ट इनटू जेसन अब देखिए इसके लिए आपको पैकेज गिस्ट पर जाना होगा और वहां पर आप देख सकते हैं कोई भी पैकेज जो कि आर टी एफ से फाइल को कन्वर्ट करता हो आप वहां पर जाइए और वहां से उसको देख लीजिए यूनिफाइड हेल्पर इसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्ट uh, होता है वो उसका चंक्स में आपको इंपोर्ट करना पड़ता है इसके लिए माई एस की क्यूरी भी है कि वो उसमें एक लिमिट तक आप उसकी डाटा उसकी जो सॉरी साइज फाइल साइज दे इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी जो साइजन किलो बाइट या मेगा तक हो तो वो उस फाइल को uh, दूसरी फाइल के साथ शिफ्ट करते हैं मतलब चंक्स में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सी फाइल में भी कर सकते हैं जिप फाइल में भी कर सकते हैं सो so, ये आप माई एस की वेबसाइट पर जाकर वहां पर सिक्योरिटी को देख सकते हैं हाउ टू चंक योर बिग डाटा सो बैकअप बनाने के लिए इसके अलावा बैकअप की कुछ कमांड्स भी हैं जो यूज की जाती हैं जैसे अभी रिसेंटली लारावल में इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप अपनी माइग्रेशंस को एक एसक्यूएल में कन्वर्ट कर लें और फिर लारावल ऑटोमेटिकली उस एसक्यूएल को पहले एग्जीक्यूट करता है और फिर बाद में क्रिएट की जाने वाली माइग्रेशंस को उसके बाद एग्जीक्यूट करता है अच्छा यहां पर सईद अनवर कह रहे हैं जी हाउ टू इंप्रूव लॉजिक एंड एसक्यूएल लॉजिक को इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं बुक्स बुक्स आर योर गुड फ्रेंड्स फिर उसके बाद दूसरों का लिखा हुआ कोड ये वो दो चीजें हैं जैसे अगर आप घर से पहली दफा भी आपको कोई नहीं भेजेगा घर से कि जाओ कभी आप घर से अगर बाहर ही ना निकले हो तो पहली दफा कोई आपको नहीं भेज देगा कि जाओ ये चीजें ले आओ बिकॉज यू नेवर गो आउट साइड ऑफ योर होम और योर कंट्री तो अकेले शायद ना भेजें वो आपके साथ किसी को भेज दें कि भाई इसके साथ चले जाओ इसको एक दफा पता चल जाए तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई चीजें लेने में सो द थिंग इज के दूसरों के कोड लिखे हुए कोड को आप स्टडी करें या ये जैसे मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं इन ट्यूटोरियल्स को एक दफ़ा कोड को सिर्फ बैठ के देखें कि मैं कैसे टाइप कराऊँ क्या टाइप करूँ उस साथ साथ आप सोचते जाएं अगर ये सब टाइप करें क्यों टाइप करें कैसे टाइप करें और इससे क्या चीज अचीव हो रही है मतलब तो जो मैं टारगेट अचीव कर रहा हूँ वो हो रहा है अगर नहीं हो रहा तो मैं साथ बताता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा सो दिस इज वे यू इम्प्रूव योर लॉजिक और जहां तक बात है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की तो इसके सबसे पहले आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कैसे रिकॉर्ड record, तमाम रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाता है कैसे एग्रीगेट फंक्शन इस पर लगाए जाते हैं कैसे आप स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको ज्वाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी किस्म की ज्वाइंस और किस ज्वाइंट के साथ किस किस्म का डाटा रिटर्न होता है तो उसके बाद यू शुडंट एनी प्रॉब्लम अहमद अली कह रहे हैं सर वर्ड प्रेस में प्लग इन ब्रॉयर प्लेट पैकेज के थ्रू जनरेट होना चाहिए ऊप जी हाँ इसकी एक एक्सटेंशन भी मौजूद है जो आप सब में इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे ही आप उस प्लग इन को उस एक्सटेंशन का शॉर्ट कोड लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको एक बॉयलर प्लेट कोड बनाकर दे देगा जिसमें वो सारी जो फंक्शनैलिटी है वो चाहे तो आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं चाहे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में एक क्लास क्रिएट करके कर, कर सकते हैं अच्छा दीपक कह रहे हैं सर अगर तीन चार लाख यूजर हैंडल करते हैं तो सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है तो हम उसके लिए माइक्रो सर्विसेज यूज कर सकते हैं लारावल में माइक्रो सर्विसेज नोट जिसमें यूज होती हैं तो इसकी तरह लारावल में भी होता है इसका जी हाँ बेसिकली इसको लोड बैलेंसिंग के थ्रू हैंडल किया जाता है ये एक एडवांस टेक्निक है जो कि रिसेंटली क्यूबरनेट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई गई है Normally, अभी Kubernetes को को के साथ यूज किया किया जाता है. Uh, को फिर किया जाता है मुख, मुख्तलिफ, uh, पर. और फिर जो होता है फिर स्पैन स पर, तो पर कोई नहीं होता आपकी वेबसाइट जितनी भी बड़ी होती जाए उस पर Uh, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है मुझे इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं है मैंने इस पर काम नहीं किया इसलिए इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगा अच्छा, बुरकी खान कह रहे हैं लारवल वॉलेट सिस्टम फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज करो लारवल कैशियर यूज करने वाला था लेकिन वो रिएक्ट में काम नहीं करेगा तो बैकहैंड को अगर पैकेज के बगैर सिक्योर करना है अच्छा ल, अब इसमें आपने कहा कि लारवल वॉलेट फ्रंट एंड में तो इसका मुझे एक्चुअली ये जो आप Laravel Wallet की बात कर रहे हैं ये मैंने पैकेज के बारे में इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया कि ये कि पैकेज क्या करता है और इसका क्या बेसिक थीम क्या है तो रिएक्ट में मैं ये बताता चलूँ कि रिएक्ट में अगर आप बताते हैं कोई चीज़ भी तो उसके जरिए आप ए क्रिएट करते हैं और फिर उस ए को कॉल करते हैं रिएक्ट के अंदर यूजिंग फैच ए या एक्सीस को इस्तेमाल करते हो तो अगर आप ये कह रहे हैं कि लारावल कैशियर यूज करने वाला तो लेकिन रिएक्ट में काम नहीं करता तो क्यों नहीं काम करता करता है काम बिल्कुल करता है बस फर्क आपने जो फंक्शन क्रिएट करना है ना लारावल के, के साथ उस फंक्शन को आपने कॉल करना है में। और वो फंक्शन एक अपना टास्क परफॉर्म करके आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जैसन में इधर आई यू है नॉट अच्छा अहमद अलीफ्यूज क्या स्कोप है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में देखिये अभी तो बहुत जबरदस्त स्कोप है स्टिल वर्ल्ड प्रेस का स्कोप है तमाम फ्रेब फ्रेमवर्क हैं स्पेशली एम वी सी एस सी एम एस तमाम का स्कोप अच्छा है वर्ल्ड प्रेस का स्पेशली इसलिए अच्छा कि इसका एको सिस्टम बहुत स्ट्रोंग हो चुका है टू बी ऑनेस्ट विद यू इसके प्लगिंग मार्केट में इस इतने आ चुके हैं कि यू कैन डू जस्ट इंस्टॉल दो प्लग एंड यू हैव डन योर जॉब सक्सेसफुली सो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं दे नीड क्विक सोल्यूशन फॉर देयर प्रोडक्ट्स और मे बी लैंडिंग पेजेस लाइक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हाँ वेबऐप बनाने के लिए डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स लाइक जावाप्ट फ्रेमवर्क अगर आप वेबऐप की बात करें जिसके आपके लिए एस सी ओ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो सो इन दैट केस यू कैन गो विध हेडलेट सी एम एस या फिर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ओ आर एम सी आर एम और ई आर पी आर टेक्नोलॉजीज और काफ़ी सारी जो ओ आर एम सी आर एम ई आर पी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे गिव यू सम इवन जैसे जेपियर आई थिंक जैपियर एक ओ आर एम है हमारे पास के सी आर एम है आई उसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और उसका एक प्लग भी मिलता है फ्री वाला भी है वो पेड भी है आप उसको यूज कर सकते हैं मैनुअली भी आई थिंक उसका टेक्निक उन्होंने अपनी एपीए कॉल्स की सारी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि मैनुअली आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं भुरकी खान इसके लिए आप देखिए ट्रांजेक्शन तब हम यूज करते हैं जब हम मल्टीपल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो या डिलीट करना हो हम तब यूज करते हैं डेटा ट्रांजैक्शंस ट्रांजेक्शन को और जहां तक बात है कि इस टेक्निक के लिए आप मैंने जैसे कहा कि एपीआई सो आप लारवल कैशियर को एज इट इज यूज करेंगे उसका सारी कोडिंग जैसे उसने बताई है कि कंट्रोलर्स बनाए उसके अंदर वो कोडिंग करें कस्टमर कैसे क्रिएट करना है कैसे उसको बिलिंग करनी है तो वो सारी के काम आप एस एज करेंगे सिर्फ ये करेंगे आप उसको कि उसको आप एपीआई के थ्रू फिर कॉल करेंगे रिएक्ट में और फिर वो रिएक्ट जो है वो सारे इनपुट लेगा आपसे और उसको फिर प्रोसेस करेगा थ्रू कंट्रोलर अच्छा डेली न्यूज नॉलेज कह रहे हैं कि शुड वी यूज सी आई फोर और सी आई थ्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो अगर आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्किल्स अच्छी हैं बेहतर हैं तो सी आई फोर इज चॉइस फॉर यू अदरवाइज सी आई थ्री इज स्टिल वर्किंग अभी भी सी आई थ्री में काफी सारे बने हुए प्रोजेक्ट भी आपको गेटअप आप से मिल जाएंगे बॉयलर प्लेट्स मिल जाएंगी तो सी आई फोर की इतनी ज्यादा इको सिस्टम स्ट्रॉग नहीं हुआ क्योंकि रिसेंटली अभी ये लॉन्च किया गया इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको तो यू कैन गो विद बो सी आई फोर सी आई थ्री ऑलमोस्ट इनका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है और क्यूरी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा सा सेंटेक्स का डिफरेंस है अच्छा सही दिन भर मैं ये आंसर आपको कर चुका हूँ कि हाउ टू इंप्रूव योर लॉजिक अच्छा काफी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर uh, मैं सारे क्वेश्चन तो शायद ना ले है हैरानी anyway, मैं कोशिश करूंगा एज मच एज आई कैन टेक फोर एंड मोर सिक्योर देन सो वी शुड गो देखिए आपने खुद ही इसका आंसर भी कर दिया तो अभी से ज्यादा मैं क्या कहूँ पे इज फिजिक्स इम्पोर्टेंट फॉर एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनी थिंग

तो उसमें फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट मैथ कैलकुलस लीनियर एल्जेब्रा स्टेटिस्टिक्स दिस थिंग्स डज हेल्प जी थैंक यू वेरी मच यूसुफ खान एंड यू आर ग्रेट टू अच्छा जी कह रहे हैं अच्छा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजाज अहमद का ए, सर शुड वी स्टिल यूज़ कार्ट लाइब्रेरी फॉर कोआर्गिनेटर इवन इट इज़ डिप्लीकेटेड बाई कोर्डिनेटर कम्युनिटी देखिए जो ये जो लाइब्रेरी है ना राइटर की कार्ट वाली लाइब्रेरी अब मैंने जो कोऑर्गिनेटर फोर में प्रोजेक्ट बनाया ना वो एक क्लास मैंने आपको बना के दे दी है अब बजाय इसके वो पूरी लाइब्रेरी यूज़ करें अगर आप उस क्लास को एनहेंस कर लेते हैं तो, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू क्योंकि उसमें आप अपना कोड लिखेंगे जो डेप्रिकेटेड लाइब्रेरीज होती हैं उनको अवॉइड किया करें क्योंकि उसमें वो ओल्ड पी पी को यूज़ करते हुए बनाई गई होती है एंड देर आर चांसेज कि उसमें कोई लीकेज वगैरह ना हो और आपका जो कोड है वो क्ट हो जाए या उसको हैक किया जा सके तो इसलिए जो चीज डेप्रिकेटेड हो जाए उसको अवॉइड किया करें यूज करने से देखिए गो लैंग इज फॉर डाटा साइंसेस एंड एनालिसिस तो इस पर फिलहाल मैं इसीलिए आर प्रोग्रामिंग है लैंग है टेंसर फ्लो है तरीके से पाइथन से रिलेटेड कुछ जो और टूल्स हैं मैं उन पर इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि फिर मेरा ट्रैक टोटली चेंज होगा वेब से मैं आईओटी और उसकी तरफ चला जाऊंगा एआई की तरफ विच आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ तो इसलिए सॉरी इस पर मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकता और पायथन पर भी बनाने मैंने इसीलिए ट्यूटोरियल्स बनाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ चेंगो क्योंकि okay, जेंगो हमारे पास एक वेब फ्रेमवर्क है जिसकी मदद मतलब से हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं वेब एप्स क्रिएट कर सकते हैं सो दैट इज द रीजन मैंने पाइथन पर ट्यूटोरियल्स बनाए थे अदरवाइज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था पाइथन पर भी वीडियोस बनाने का uh, बिंदास हद ही और व्यू की बहुत जबरदस्त डिमांड है इसमें अगर आप अच्छा काम करते हैं सो डेफिनेटली यू कैन गेट गुड जॉब इन अ कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी मिल सकती है जी थैंक यू वेरी मच ए क्लच थैंक यू वेरी मच लव यू टू अच्छा जुलकर नैन हुदा कह रहे हुआ असला प्लीज डिस्कस अबाउट लमडा फंक्शन एंड सर्विस एमेजॉन देखिये मैं एक वेब डिवेल्पर हूँ फुल स्टैक वेब डिवेल्पर हूँ ठीक है तो ये जो सर्विसेज है ना ये मेरा स्कोप नहीं है मेरी ये फील्ड नहीं है सो so, आप एक किस्म का ये कहना चाह रहे हैं कि आ, मुझे ये सारी चीजें भी आनी चाहिए कि ए डब्ल्यू एस को कैसे सेटअप किया जाता है सो आई थिंक आनी चाहिए ठीक है बेसिक्स आपको मुझे पता भी है बेसिक्स लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है ना जहन में रखिएगा कि आपके पास अगर हर चीज का नॉलेज है ना तो फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है और दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब आपके पास तीन चीज़ों का नॉलेज हो जाता है तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वेयर शुड यू गो तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हो तो पर्टिकुलर चैनल्स को ज्वाइन करें देर आर मैनी चैनल्स डूइंग ट्यूटोरियल्स ऑन दीज थिंग्स एमजॉन पे ए डब्बल्यू एस पे क्लाउड कंप्यूटिंग पे इवन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे और इथिकल हैकिंग पे तो इन चैनल्स को आप ज्वाइन करें किसी एक ही बंदे पे आप सारा बर्डन डाल देंगे आई नो कि आप शायद इस वजह से कह रहे हैं कि शायद मेरे समझाने का तरीका इस तरह है कि आपको समझ आ जाती है आई नो दैट लेकिन दिन एट द सेम टाइम मेरे लिए ये प्रॉब्लम ये है कि मुझे फिर ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने भी नहीं सीखी हुई अमेजोन पे कैसे आई नो द बेसिक्स कैसे अमेजोन पे या ए डब्ल्यू एस पे आप एक नोड सेटअप करते हैं कैसे आप एक उसके ऐप को या आप सेटअप कैसे करते हैं फिर उस पर लैम्प स्टैक कैसे लगाते हैं इतना तो आई नो स्टेप बाय स्टेप जारी बात है मैंने भी ट्यूटोरियल्स और वो क्या कहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स को फॉलो करके ये सारी चीजें सीखी हैं लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैम सो इसलिए आई विल रिकमेंड के इसलिए कहा था कि वेब से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करें तो ये सर्वर लेस सी डी के एमेजोन इनको सेटअप करने का तरीका जो है ये उनके प्रोफेशनल्स को ही रहने दें अच्छा सोनू कह रहे हैं सर आई एन इशू वैन चेंज मै जेंटो वेबसाइट पी एच पी वर्जन सेवन पॉइंट पी एच पी वर्जन चेंज मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं कि मैं जेंटो का वर्जन कौन सा आप यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं जेंटो टू पॉइंट थ्री जो है वो सेवन पॉइंट टू के साथ काम करता है सेवन पॉइंट थ्री के साथ आई थिंक दोस्त जो लेस है वो सेवन पॉइंट टू के साथ काम करता है मेजेंटो इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द वर्जन इसलिए कोशिश करें कि जो वर्जन एग्जैक्टली exactly आप यूज़ रिकमेंड uh, करता है वही आप वर्जन यूज करें जी ये इशू है फिर आपको मेजेंटो अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर आपको होस्टिंग से काम कर, बात करनी पड़ेगी तो प्रोवाइड यू द मल्टीपल पीएचपी एनवायरमेंट्स टू सेवन पॉइंट थ्री फिर आप उसको चूज कर सके अच्छा मसूद कह रहे हैं कि सर साल का जीरो से जीरो तक आपने अपने चैनल पर काम किया अगर आप इसी तरह से ज़ीरो टू हीरो जी एस टेक्नोलॉजी पर भी प्रोजेक्ट लाए तो बहुत अच्छा होगा चैनल की इम्प्रूवमेंट के लिए जी, जी मसूद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी वो जो क्या कहते हैं फिलहाल जो मेरे ट्वेंटी फाइव के प्लस फॉलोअर्स हैं दे आर हेयर बिकॉज ऑफ लारावल और या शायद कह लें वर्ल्ड प्रेस तो इस पर मैं बनाता हूँ टाइम टू टाइम जब मुझे टाइम मिलता है लेकिन मैं पर्टिकुलरली स्पेशली इन पर काम नहीं कर सकता फ्रेमवर्क्स पर तो इसलिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा इसके लिए और आपके पास चैनल्स हैं मैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली दो तीन को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है किसी और की भी आपको अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हो जाए जी वसीम यूसुफ यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ओके okay, जी बुरकी खान थैंक यू वेरी मच सो हसन मुस्तफा ने क्वेश्चन किया व्हाट इज एपीआई प्लीज एक्सप्लेन इट सो शॉर्ट वर्ड में मैं कहूंगा एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का जो मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपकी और आपके टेलीविजन का जो रिलेशनशिप है ना कि आप अगर चैनल चेंज करना है या तो टीवी पे लगे हुए बटन को आप पुश करके चेंज करेंगे या रिमोट कंट्रोल को यूज करेंगे टीवी पर चैनल चेंज करने के लिए आपको टीवी वी बनने की जरूरत नहीं है एट द सेम टाइम यू आर समथिंग एल्स एंड योर टीवी इज समथिंग एल्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग योर टीवी इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो इन दो चीजों को आपस में कम्युनिकेट क्रिएट करवाने के लिए एक थर्ड चीज यूज की जाती है उस चीज को ए कहा जाता है एपीआई बेसिकली हेल्प करता है आपकी एक ऐसी चीजों से कम्युनिकेट करने के जो कि हाइब्रिड हो हाइब्रिड से मुराद है डिफरेंट कैपेसिटी की हो या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हों उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम ए पी को यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ऐप है नोट सॉरी मोबाइल ऐप मैं कह रहा हूँ मोबाइल लैंग्वेज जो हैं जैसे कॉटलिन है या जावा है वो पी एच पी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती डायरेक्टली उसमें आप पीएचपी का कोड रन नहीं कर सकते अगर आपने एपीआई को पी में क्रिएट किया हुआ है तो आप फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि फिर आप पीएचपी में जो रिस्पांस रिटर्न करते हैं मोस्ट ऑफनली एग्जाम एल में होता है या फिर वो जेसन में होता है तो इसलिए एपीआई की ये सिंपल विद आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यही एपीआई है गेटिंग एन एंड एंड देन आफ्टर गेटिंग दैट एंड यू आर एल यू रिस्पॉन्स विद अ पर्टिकुलर जेसन रिस्पॉन्स इधर इन एरर और सक्सेस अच्छा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं <laughs> तो खैर में अच्छा है क्वेश्चन करने चाहिए लेकिन मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करूँगा मैं तमाम क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकता क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे ये हिमांशु ने कहा टी एम एल को रिएक्ट में कैसे यूज करूं फाइल्स को इंक्लूड कैसे करूँ सबसे पहले एच डी एम एल टेम्पलेट्स को आप कन्वर्ट करेंगे कंपोनेंट्स में हर एच टी एम एल किसी भी वेबसाइट का जो एस टी एम एल स्ट्रक्चर होता है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहले आपने डिफाइन करना है हेडर को सेपरेट करना करना है फुटर को सेपरेट है साइड बार को कंटेंट को फिर कंटेंट को फर्दर आपने इसको टाइटल के कंपोनेंट में बनाना है कंटेंट के कंपोनेंट में बनाना है सो इन तमाम कंपोनेंट्स को फिर आप एक बड़े कंपोनेंट में कॉल करेंगे एंड देन आपका टेम्पलेट वर्क करेगा डीटीएस टी सरमद मैं ऑलरेडी लारावल सोशलाइट प्लग इन को इस्तेमाल करते हुए जो लारावल का पैकेज है उसको इस्तेमाल करते हुए इस पर एक लारावल फाइव में ट्यूटोरियल बना चुका हूं एंड द सेम ट्यूटोरियल इज गोइंग टू वर्क विद लारावल सिक्स सेवन एंड एट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए डॉट नेट वर्सिज मर्न डेफिनेटली मर्न और जो डॉट नेट है ये दोनों अच्छा सॉरी आपका नेम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है तो डॉट नेट मर्न वन इज बेस्ट सो डॉट नेट का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्टार्ट uh, में ए मैंने सीखा था लेकिन उसके बाद से डॉट नेट में सिर्फ विजुअल बेसिक मुझे आती थी तो उसके बाद मैंने इस पे काम बिल्कुल भी नहीं किया मर्न स्टैक इज अ ट्रेंडिंग राइट नाउ लेकिन स्टिल इन यूरोप जो मन स्टैक है वो इवन एशियन कंट्रीज में भी इसका इतना ट्रेंड नहीं है मन स्टैक का और डॉट नेट के लिए जो कंपनीज हैं वो मल्टी नेशनल कंपनी डॉट नेट को प्रेफर करती हैं कि इसका कोड जो है वो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस Uh, जुनेद इस बारे में मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकूंगा आपका जो क्वेश्चन है कि क्योंकि ये कोड इस तरह के मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है कि अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपने जो काम किया जहां पर आपको इश्यू आ रहा है वो कोड आप मुझे गिटअप गिस्ट के थ्रू शेयर करें तो मैं उसको देख के आपको बता सकता हूँ इस वक्त मैं एट द स्पॉट कुछ नहीं कह सकता जी सद ट्रेडर्स यू कैन आस्क क्वेश्चन नहीं ए आई से रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं कोई ये ना हो कि मैं कोई गलत आंसर दे दू इसलिए सॉरी आप ए आई से रिलेटेड ना ही पूछें फिलहाल तो इट इज बेस्ट फाइव अच्छा मिस्टर जीत मुंबाइकर कह रहे हैं लालवल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में शिपिंग एपीआई को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं सो so, इसके लिए जो भी आपने ए, शिपिंग यूज करनी है एपीआई उनके पर्टिकुलर जो है वो आपको एक एपीआई प्रोवाइड करते हैं जैसे अगर हम बात करें फेडेक्स की या इसके अलावा जो कंपनीज हैं टी है तो वो आपको प्रोवाइड करती है एपीआई फिर आपने उन APIs को ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉल कर रहे हैं जॉब वर्सेस प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट गेटिंग एन ऑफ कैंपस जॉब ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफरेंस गेटिंग जॉब वर्सेस प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट गेटिंग एन ऑफ कैंपस Job of software engine difference. Uh, I am not sure if you can understand my language, Urdu and Hindi, because this channel is particularly about Urdu and Hindi. So, if, if you kindly let me know that you can understand Urdu or Hindi, then I can answer, I, I can try to answer your question.

पाकिस्तान में आ, अवेलेबल नहीं है चैट तो इसलिए इस कि आप सुपर चैट के थ्रू पे करें तो मुझे मैंने है, जब एनेबल होगा देन आई विल डू एनेबल सुपर चैट राइट नाउ नौ, इट्स नॉट देयर uh, सर कैन यू प्लीज मेक रेगुलर रिडक्स देखिए रोहेल बट जब से कॉन्टेक्स्ट एपीआई आई है तो रिएक्ट रिडक्स का यूजेज बहुत रेयर हो गया और मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पर ट्यूटोरियल बना ना। देख इसके बाद sure कि आप फिर कभी कहेंगे कि Redux. Redux, बड़े के लिए फ्री कोड कैंप डॉट ऑर्ग पे आप देख सकते हैं टूटोरियल रिडक्स पे अच्छे टूटोरियल आपको मिल जाएंगे अच्छा बुरकी खान वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉलेट सिस्टम बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सोशल मीडिया मतलब पोस्ट वगैरह को आप लाइक करते हैं तो आपके वॉलेट में कुछ अच्छा आप वो आ, सब वर सब वाला को इस तरह का है वॉलेट मुराद आपकी डिजिटल करेंसी है बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है तो इसमें मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता अच्छा दीपक कह रहे हैं कि लारावल मैंने आपकी वीडियो 5.5 पॉइंट फाइव देखकर स्टार्ट किया था आई हैव ऑफ एक्सपीरियंस इन हैारो तो सर अभी मैं लारवल प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री लांस कैसे स्टार्ट करूँ देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक अच्छा जो डिवेल्पर होता है ना मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू कि एक अच्छा वेब डिवेल्पर जो खुद एक अच्छा वेब डिवेल्पर है वो कभी भी एक अच्छा फ्री लांसर नहीं बन सकता ठीक है इसकी रीजन ये है कि वो लेट हो जाता है प्रोजेक्ट पर बिडिंग करने में तो अच्छा फ्रीलांसर वही होता है जो फौरन बिडिंग करें और बिडिंग टाइम्स में अवेलेबल भी हो फिर आप बिडिंग करेंगे या प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू तो हैंडल बोथ थिंग्स टू कहता क्योंकि डेवलपमेंट ने भी आपका फुल टाइम लेना है और जो फ्रीलांसिंग है वो हमारे एशियन कंट्रीज में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में इट इज़ अ फुल टाइम जॉब सो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि इट्स बेटर कि आप किसी कंपनी में अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब करें उसके बाद साथ साथ आप कोशिश करें कुछ लोगों को अपने साथ दोस्तों को मिलाएं और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें देन आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगी आई विल गो विद मर्न स्टैक मैं आई थिंक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मर्न स्टैक इज ट्रेंडिंग राइट नाउ अच्छा अहमदी सर प्लग इन बनाने के लिए वर्ड प्रेस में सेपरेट टेबल बनाना चाहिए या पोस्ट टेबल में डाटा स्टोर करना है जी बेस्ट ऑप्शन ये है अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है जो आपने इन आउट करना है मतलब फैच करना है या इंसर्ट करना है देन गो विद द टेबल अदरवाइज ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन एड ऑप्शन गेट ऑप्शन और या फिर एड पोस्ट मेटा गेट पोस्ट मेटा और सब अपडेट पोस्ट मेटा दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू लेकिन अगर डाटा बहुत ज्यादा है जो आपने सीरियलाइज uh, करना है डी सीरियलाइज करना है सो फॉर दैट दैट इन केस आपके लिए बेस्ट है कि आप यूज करें टेबल्स को uh, जी सॉरी बर्की खान मेरे जहन में इस वक्त कोई ऐसा पैकेज अवेलेबल नहीं है सो वही कह रहे हैं सिन्दानी सल्यू जी थैंक यू वेरी मच सल्यू टू यू टू जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है थर्टी फोर लोग हैं इस वक्त जो देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को अच्छा क्योंकि जी पर जा सकते हैं अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं PHP की अच्छा ऐसा मुझ बात कह रहे हैं कि कैन यू प्रेफर मैकबुक प्रो टू थाउजेंड अलेवन फॉर रियव डिवेलपर्स क्वाइट ओल्ड ये मशीन है प्रो लेकिन प्रो का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना कि आप उसकी रैम वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है इवन एक सर्टन टाइम अमाउंट तक उसका प्रोसेसर भी चेंज करा सकते हैं तो है, तो रिफर्बिश्ड है अगर आपके पास में करीबी रैम हो तो इट विल वर्क वेरी गुड विद इवन यू कैन डू आई ओ एस डेवलपमेंट एज वेल अगर क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आ रहा है जैसे आई थिंक हाई सीरा से स्टार्ट किया था कि अब ये अब पुराने लैपटॉप्स पे भी 2010 से अबव जितने भी मॉडल्स हैं उन पे हाई सीरा मुखायब और इवन कॉटलिन इन सॉरी कॉटलिन एंड कैटलीना और बिग शुड भी इंस्टॉल हो जाता है तो यस इट्स अ गुड मशीन मैकबुक प्रो 2011 अ मेगा वीडियो ऑन रिव्यू सिस्टम ऑन बिलो पोस्ट जी रिव्यू सिस्टम पे इंशाला देखेंगे आगे चल के जब हम कस्टम पोस्ट टाइप्स पे बात करेंगे तो रिव्यू पे हम बात करेंगे कि रिव्यू सिस्टम किस तरीके से बनाया जा सकता है अगर आप बात करें लारवल की या वर्ल्ड प्रेस की पी के बी अच्छा बुरकी देखिये सबसे बेस्ट ऑप्शन तो कस्टम मैथड ही होता है तो कि हाँ अगर आप कर सकते हैं ना कस्टम मेथड में तो मैं करता हूं कस्टम मेथड को अगर आप मेरी ई e कॉमर्स की सीरीज देखें ना तो बजाय इसके कि मैंने ई e कॉमर्स के लिए पैकेज यूज करूं मैंने खुद से कार्ड का टेबल वो सॉरी क्लास क्रिएट की उसको यूज किया अहमद अली ओपन कार्ड बेसिकली कंप्लीट सी एम एस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अच्छा जो है ना रेस्ट और सोप में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो रेस्ट है वो फॉलो करता है रेस्टफुल ए पी को मतलब इसमें आप कह सकते हैं इसकी एब्रीवेशन जो बनती है ना रेस्ट की और सोप की सिंपल ऑब्जेक्ट है ये आ, सोप बेसिकली अगर यहाँ पर आप गूगल में भी लिखें ना रेस्ट वर्सेस सोप तो आपको टॉप पर उसकी जो डेफिनेशन है ना वो इसकी मिल जाएगी कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या है और सोप की डेफिनेशन क्या है इसकी बेसिकली सिर्फ वर्ड में है कि सोप एंड रेस्ट शेयर सिमिलर ओवर द एच टी टी पी प्रोटोकॉल सोप इज अ मोर रिजिड सेट ऑफ मैसेजिंग पैटर्न देन रेस्ट द रूल इज सोप आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कांट अचीव एनी लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन विदाउट देम रेस्ट इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग एंड इज नेचुरली मोर फ्लेक्सीबल सो so, कहने का मकसद ये है कि सोप जो है वो इसकी टेक्नोलॉजी का अगर मैं इसकी एब्रीविएशन देखूं तो इसमें वो कह रहा है कि इट अलाउज रेस्ट इज नॉट अ प्रोटोकॉल बट एन आर्किटेक्चरल है और जबकि सोप डिफरेंट में सोप ओनली अलाउ एग्जामल सो टेक्स्ट में भी एक्सएमएल भी और डिफरेंट मतलब टाइप के रिस्पॉन्स कर सकते हैं जब हमारे है। और <laughs> अगर आप लार्वल प्लस माई एक्सपूएल uh, कर सकते हैं और आपको आती है और रेकल की बेस पे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं रेकल बेस को MySQL के पोस्ट आप MSSQL को भी एसक्यू लाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं इवन काउच डी बी आई थिंक उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं बस इसके आपके पास वो एक्सटेंशन होनी चाहिए जो इसको कम्युनिकेशन को सेटअप करे और पीडीओ आई थिंक सपोर्ट ऑल दीज का अहमद मेरे भी जहन में से कोई ऐसी ऑनलाइन सर्विस नहीं है जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर एपीआई के थ्रू प्रोवाइड करे अहमद अली डेफिनेटली जितने भी फ्री प्लग होते हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज तो अ डिवेल्पर आपने इनको ओवरकम करना होता है और यही एक डिवेल्पर की पहचान होती है और इनशाला मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बेहतर बना सकते हैं एलिमेंटर को इसकी कुछ में टेक्निक्स भी आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा अच्छा ये मैं बता चुका हूँ आपको कि सेपरेट टेबल बनाना चाहिए या आपको अलग से ओके जी बीके बी सी आर विल ट्राई अच्छा को जोन कह रहे हैं मैं आपका क्रूज हूं। मैंने आपकी वीडियो को 2016 से Uh, बहुत देखा मैं अभी वक्तों में देखता हूँ बांग्लादेश से पहले कतर में रहता था अच्छा जी थैंक यू वेरी मच वो मेरा मकरूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मैं कोई कर्ज नहीं आपको दे रहा हाँ एक सेंस में कर्ज आप आप इस तरह उतार सकते हैं कि आप आगे लोगों को दो सिखाएं अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है आपके पास एबिलिटी है कि आप अपनी चीजें जो समझ आई है वो आप समझा सकते हैं तो गो फॉर इट और इस तरीके से आप इसको पे ऑफ कर सकते हैं अच्छा सर इंटरव्यू रिएक्टेड एंगुलर के लिए ट्यूटोरियल बनाने पे तो सी शार्प के लिए भी इंटरव्यू टूटोरियल देखिए इंटरव्यूज पर तो कोई बात नहीं की हर कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है इंटरव्यूज़ करने का तो जो लोग बना भी रहे हैं वो एक स्पेसिफिक एक पट कंपनी को लेकर बना रहे हैं और मेरा भी ऐसे किसी कंपनी से वास्ता नहीं पड़ा इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता अच्छा अच्छा अहमद अली कह रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपर में सैलरी कैसे ज्यादा होगी कि वर्डप्रेस डेवलपर एक लाख सैलरी भी है मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा अहमद अली क्या कहना चाह रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपर में सैलरी कैसे ज्यादा होगी एक लाख सैलरी भी है देखिए ज्यादा हो होती है होती है क्योंकि PHP को डिस्काउंट समय और क्लीन कोड लिख सकते हैं और जो भी आ, फीचर आप ऐड करना चाहें वेबसाइट के अंदर उसको आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं एपीआई इसको मैन्युअली इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस इधर बाय यूजिंग फंक्शन डॉट पीएचपी और क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा प्लगइन तो जिसकी वजह से उनको सैलरी अच्छी मिलती है एमयासर यू शुड स्टार्ट विद आशीष आपने अगर दो प्रोजेक्ट बनाए हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये बेटर है लेकिन अगर आप एक आध प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में भी बना लेंगे तो फिर आपको लगेगा कोऑर्डिनेटर भी बेटर है मैं कभी कंपैरिजन में नहीं जाता इस तरह की चीजों के Uh, रहमान अली सॉरी टू से मुझे ऐसे किसी सॉफ्टवेयर का भी आइडिया नहीं है आप इसके लिए वो जो रोजी डॉट पी के या इस तरह की दूसरी तीसरी वेबसाइट्स हैं आप उन पर ट्राई कर सकते हैं ओलेक्स पे देख सकते हैं कि इंटर्नशिप्स अगर अवेलेबल हैं तो यू कैन ट्राई लारावल इंटरव्यू क्वेश्चन की देखिए मेरे जो टूटोरियल हैं ना उनके जो टाइटल्स होते हैं बेसिकली वही आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन क्योंकि यही चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं कि लैसे लारावल में क्यू री क्या होता है क्या कैसे काम करता है ओ

क्या है मेरी अर्निंग सोर्स दो तीन है पहली तो ही अर्निंग सोर्स मेरी दूसरी कंपनी है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ पर मंथ सैलरी ले रहा हूँ इसके अलावा अगर कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिल जाए मैं खैर कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं लेता छोटे मोटे टास्क ही लेता हूँ जिसपे मैं जो है वो आ... मतलब छोटे मोटे टास्क करने का मकसद ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूं तो इसलिए मैं ऐसे टास्क लेता हूं जो क्विक हों और जल्दी से मैं सॉल्व करके शेयर नहीं कर लूं जैसे फाइबर पे या अपवर्क पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ कभी मैं खुद अप्लाई नहीं करता कोई टास्क मिल जाए तो डेफिनेटली डू दैट मोहम्मद आतिफ अभी मैं कुछ कह नहीं सकता मेजेंटो टू के ट्यूटोरियल्स पर uh, जितने ट्यूटोरियल्स आई थिंक मैंने बनाए हैं अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करें एंड देन गो टू द डेव डॉक्स ऑफ करेंटो तो आपको इशू तो कोई नहीं होना चाहिए अगर आपकी पी अच्छी है हाउ टू बिकम अवादार थीम डिवेलपर लाइक हारिस जुल्फिकार इसके लिए सबसे बेस्ट जो उन्होंने काम किया वही काम आप करें कोई एक आइडिया लें एक प्रोडक्ट सर्विस मतलब जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस कोई एक प्रोडक्ट क्रिएट करें एक थीम क्रिएट करें जिसमें आप मल्टीपल प्लगइन्स को यूज करें चाहे आप उनको प्लगइन्स को डायरेक्टली अपनी थीम में इंटीग्रेट कर लें चाहे एज अ रिकमेंडेड आप साथ ऐड करें कि सबसे पहले थीम ऐड करने के बाद ये प्लग एक्टिवेट ऑटोमेटिकली करें तो उसके बाद आपके पास Uh, कोई एक स्पेसिफिक आपने टारगेट अचीव करना है फिर उसके बाद आपने उसमें मल्टीपल टेपलेट स्ट्रक्चर्स देने हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज के लिए जैसे एजेंसीज के लिए हो सकते हैं फैशन इंडस्ट्री के लिए हो सकते हैं ई कॉमर्स के लिए हो सकते हैं किसी भी लॉयर सूट के लिए हो सकते हैं मतलब इस तरह के टेम्पलेट्स आप जो है ऐड कर सकते हैं तो मोहम्मद यासर मेरी आवाज ब्रेक हुई तो आपने क्या क्वेश्चन क्या था आपका पूछे क्योंकि शायद क्वेश्चन गुजर चुका है फैमिली uh, मैसेज आज मैं लाइव स्ट्रीम चुके मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूं तो इसलिए अभी मैंने लिंक शेयर नहीं किया तो मे बी इन फ्यूचर जब मैं लाइव uh, इस तरह के क्वेश्चन सेशन क्रिएट करूंगा कि आपके साथ डिस्कशन करूं तो आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक अच्छा एम 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 पैक लाइब्रेरी है हारिस जावेद इसकी एफ एफ एम पैक आई थिंक एफ एफ एम पैक के नाम से लाइब्रेरी है जिसको पी एच पी की जो कैप यूज़ कर सकते हैं जी मैं जे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दो हजार दस मतलब दस साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट दस साल से ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की थी दो हजार तीन में जी पी एच पी की लाइब्रेरी है ये काम करती है तमाम अप के लिए अच्छा करण कह रहे हैं सर मुझे सी एम एस नहीं आता पर मैं फ्रेमवर्क कर लेता हूँ तो क्या सी एम एस सीखना ज़रूरी है कितना टाइम लगे देखिए सी एम एस एक क्विक सोल्यूशन है सी एम एस और इतना मुश्किल नहीं है सी एम एस सीखना और ये अगर आप एम बी सी में काम कर लेते हैं या वनीला में काम कर देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या uh, सर yes आप स्टार्ट कर सकते हैं लारवल सिख से अच्छा कॉस्मोपोलिटन पाकिस्तान क्या कैन पाकिस्तान कंपीट विद इंडिया एंड बांग्लादेश इन द फील्ड ऑफ आई टी गेटिंग वर्क ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखिए कम्पीट का कंपीट अब या कंपटीशन किस सेंस में आप कह रहे हैं एक देखिए इसकी काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जब कंपिटिशन किया जाता है सबसे पहला तो एस्पेक्ट ये होता है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं उस फील्ड में डेफिनेटली इंडिया के तो हमसे ज्यादा पीपल्स इस फील्ड में आईटी की फील्ड में हमसे ज्यादा लोग हैं दूसरा उसमें जो एस्पेक्ट कंसिडर करना जरूरी है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं हाल दो इंडिया में भी ऐसा है लेकिन स्टिल बिकॉज देर मेजोरिटी पीपल दे हैव गुड वेल ऑल दो हुक्स एंड क्रुक्स वाले हमारे जो कम, पाकिस्तान में ना वो हुक्स एंड क्रुक्स वाले ज्यादा हैं मतलब वो कहते हैं बस काम हो जाना चाहिए चाहे आप प्लग इन हैकिंग वाला यूज कर लें चाहे आप थीम हैक यूज कर लें चाहे आप कोड जो है वो हैक होने वाला यूज कर लें दे डोंट केयर सो सीरियसली आई टी को इम्प्रूव करने की जरूरत है और इस पे काफी सारे लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पर भी काफी सारे अभी चैनल बन चुके हैं डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव इन दिस फील्ड सुनर और लेटर अनवर अली स्कोप लारावल का नहीं है स्कोप आपका होना चाहिए आप कितने अच्छे तरीके से उसमें काम कर लेते हैं अशी सिंह मैं लारावल एट के अपडेट्स के फीचर्स बना चुका हूं आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो फीचर लारावल फाइव पॉइंट एट में अवेलेबल नहीं होंगे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बुरकी खान ओके okay, जी चार मिनट रह गए हैं और चालीस लोग हैं वक्त लाइव स्ट्रीम पे तो अगर और इंक्रीज होते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा वरना मैं वन आवर कंप्लीट होने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग खत्म कर दूंगा कोडिंग मैं समझता हूँ कि नहीं करने चाहिए तो अच्छा यहां पर कह रहे हैं कि श्री आस मे कैम फ्राम इंडिया वी लव पाकिस्तान एज यू कम्पेयर पार्क एंड इंडिया आई टी सेक्टर देर आर गुड जी डेफिनेटली देर आर गुड पीपल इन बहुत साइड लेकिन मैंने यहाँ पर जो रेस्पेक्ट लिया था वो था क्वान्टिटी वर्सिस क्वालिटी नहीं सॉरी क्वालिटी तो नहीं क्वालिटी तो दोनों के आलमोस्ट सेम ही है एशियंस में जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल ये जितने भी कंट्रीज है ना इनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है अब वाई यूरोपियन प्रेफर अस क्योंकि एटलीस्ट वो अपना काम तो आपसे निकलवा रहे हैं ना फिर थोड़ी बहुत जो बग वगैरह है वो थोड़ा सा बेहतर डिवल पर हायर करके वो कर लेते हैं सो so, मैं यही कहूंगा कि आर स्टिल जुगाड़ी पीपल जो जैसे अभी थोड़ी देर बुरकी खाने का हम जुगाड़ी हैं एशियन जितने भी हैं जितने भी कंट्रीज हैं एशियन वाले हम जुगाड़ी हैं अनवर कह रहे हैं सर लारावल का राउट होम पे राउट हो लिंक पे ना हो तो व्हाट टू डू सॉरी नहीं समझा फैमिली कह रहे हैक होने है, से कैसे बचाएं कीप अपडेटिंग योर सेल्फ कीप सर्चिंग फॉर द सिक्योरिटी होल्स ऑन द इंटरनेट कौन कौन से सिक्योरिटी होल दरिया हुए इस करंट पी वर्जन में अगर आप सपोज फाइव स्टिल आप फाइव यूज कर रहे हैं तो यू शुड लर्न uh, के कौन कौन से उसके सिक्योरिटी होल्स हैं एंड कीप अपडेटिंग योर एच पी वर्जन क्यूरीज और स्पेशली पी डी ओ को भी जब आप यूज करें क्योंकि पी डी ओ काफी हद है, तक हैंडल कर लेता है आपके इस हैकिंग अटेम्प्ट को लेकिन अब कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर बनाते हैं तो उसमें कोशिश करें सैनिटाइजेशन प्रॉपरली आपने चेक की हो कि जो फाइल अपलोड आपने लगाई है फॉर सम रीजन अगर आपको अपलोड करने दे रहे फ्रंट एंड यूजर्स को तो वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो प्रोपरली इसको चेक हो जाए फिर एक, एक चीज यूज होती है एक्सेस प्रोटेक्शन एक्सेस अटैक प्रोटेक्शन फिर इसके अलावा सी एस आर एफ प्रोटेक्शन होती है कि आपकी वेबसाइट को किसी दूसरे आई फ्रेम के थ्रू या किसी भी थ्रू से यूज ना किया जा सके और इस तरह की चीजें काफी सारी हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे और ये टाइम के साथ आपको आती हैं और डेफिनेटली इस यही चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करती हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल अच्छा सोविक सुर कह रहे हैं आप लोग एंड्रॉइड का जॉब देते हो सॉरी मैं आपका क्वेश्चन ही समझा अच्छा हारिस जावेद ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन uh, किया ये एक जिस तरीके से एक वो कहते हैं ना गलती सॉरी गुनाह और स्वाब एक कहा जाता है कि अच्छाई और बुराई में बहुत एक जो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें थिन लाइन आ जाती है उसको समझने में कि यू आर डूइंग गुड डीड्स आर डूइंग बैड डीड्स बट डूइंग समथिंग स्पेशली जैसे पायरेटेड विंडोज यूज करना या पायरेट हैकर यूज करना जैसे है तो ऐसे ही ना ये जुगाड़ी होने में और स्मार्ट वर्कर होने में बहुत ही थिन सी लाइन है

आपका काम तो हो गया बट एट स्मार्ट आपने वर्क तो कर लिया लेकिन जुगाड़ भी लगा लिया लेकिन इन अगर देखा जाए तो आप किसी का यूज कर रहे हैं so that, अगर आप किसी का hard work use कर रहे हैं, then you are जुगाड़ी. ये एक थिन लाइन है जो डिफरेंस कर डिफरेंशियट करती है बिटवीन अ जुगाड़ी एंड स्मार्ट वर्कर स्मार्ट वर्कर जो है वो कभी भी किसी दूसरे का हार्ड वर्किंग जो है ना उसको अपना नाम से कभी भी पब्लिश नहीं करेगा जो स्मार्ट वर्कर होगा जो जुगाड़ी होगा उसको कंसर्निंग नहीं है इस चीज़ से कि ये किसका काम है ये किसका नहीं है वो उसको अपना नाम जरूर देगा सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ जुगाड़ी एंड स्मार्ट वर्कर अहमद अली पेनियर डॉट कॉम का जो इंटरफेस है वो भी बना है वर्ल्ड प्रेस में जो इसकी इंफॉर्मेशनल पैटर्न है बाकी सारे को लॉजिक को उन्होंने डिफरेंट uh, प्रोडक्ट पे यूज किया तो इसी तरीके से हमारे जो बैंक की वेबसाइट है, वो भी जो मेन वेबसाइट इंफॉर्मेशन जिस पर आपको दी जाती है वो वर्ड प्रेस में ही बनी हुई है हारिस जावेद मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो डेवलपर है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बिजनेस को रन करना फ्रीलांसिंग को रन करना तो जब मैं फ्रीलांसिंग और बिजनेस को रन नहीं कर सकता तो आई हैव नो प्लान टू स्टार्ट माय ओन सॉफ्टवेयर हाउस इवन दो मैंने इवन ऑफिस ले रखा हुआ है किया हुआ है सारा ऑफिस ऑनिस्ट विद मैं उसका रेंट पे कर रहा हूँ तो उसमें किसी को हायर भी नहीं किया हुआ बस क्लोज है वो आज चार तारीख हो गया कल जाके मुझे उसका रेंट भी पे करना है <laughs> तो आई एम हैप्पी वट आई एम मेकिंग विदाउट ओपनिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड तो मुझे इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है uh, मैं आसिफ हुसैन मैं आपकी बात नहीं समझा कि व्हाट्सएप पर ग्रुप वीडियो कॉल कर लीजिए सर ट्वेंटी एट वॉचिंग ही सॉरी मैं आपका आपकी बात ही समझा आसिफ हुसैन आप क्या कहना चाह रहे हैं ओके okay, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं हाँ महुदीन ने अब एक और क्वेश्चन किया है सरा फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर भाई मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही करता हूँ फुल टाइम यूट्यूबिंग करता हूँ यूट्यूबर हूँ फुल टाइम फुल टाइम फ्रीलांसर लासर हूँ फुल टाइम मैं जॉब भी करता हूँ मुझे इवन जो मैं कंपनी में जॉब करता हूँ मुझे कभी भी कॉल आ सकती है अभी बैठे बैठे मैसेज आ जाएगा उनको पता चले मैं ऑनलाइन हूँ तो मेरे मेरे साथ वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे इवन इट्स इट संडे तो यही वो चीज़ है कि जॉब को भी फुल टाइम चाहिए यूट्यूब को भी फुल टाइम चाहिए और फिनंसिंग को भी फुल टाइम चाहिए अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस को भी फुल टाइम चाहिए सो आई कांट हैंडल ऑल दीज थिंग विदाउट अ टीम और मेरे पास टीम नहीं है इसकी रीजन काफ़ी सारी हो सकती हैं मैं जिस सिटी में हूँ वो बहुत छोटा सिटी है उसमें इतने ज्यादा डिवेलपर्स हैं ही नहीं है तो बट द मेन थिंग आई एम सैटिस्फाइड वूइंग स्लो कोर्डर स्लो एंड स्टडी विंगेट बी शेम्ड क्या स्लोर्डर है अहमद अली ने एक क्वेश्चन किया है अच्छा ये कहते हैं कि सर आपके बाकी ब्रदर कौन सी लैंग्वेज पे काम करते हैं जी एक कोई भी किसी भी अच्छा आईटी की फील्ड में मतलब वेब की फील्ड में सिर्फ मैं बाकी सारे बट देर ओन फील्ड इंटरेस्ट आर देर इंटरेस्ट इन देर ओन फील्ड जैसे मेरे भाई हैं वो होटलिंग में है, एक जो भाई है वो ये टेक्सलाइन में यूके में है वो

बना सकते वर्डप्रेस पे के लिए मैं बना सकते हैं आप पुशर को यूज कर सकते हैं आप लेवल की जो पुशर वाली ए पी आई फैमिली मैसेज आप क्यों दो मिनट के लिए लिंक का कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर कि क्या कौन सी बात आपने करनी है जो शायद आप लिंक के नहीं कर सकते चले मैं आपको शेयर कर देता हूं मैं लिंक यहां पे शेयर कर देता हूं तो ये लिंक जो है मैं सिर्फ फैमिली मेसन ऑफिशियल के लिए शेयर कर रहा हूँ जी वालेकुम सलाम वसीम अख्तर अभी अहमद अली बिग कॉमर्स को मैंने रिसेंटली नहीं चेक किया इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता उसमें वैसे जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें थी वो वाली जो जिस तरह की ये लार्वल के अंदर है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है इसी तरह का इंजन था उसमें भी बी कॉमर्स में भी फ्रंट एंड के लिए वैसे पी एच है ना वोनरबिलिटीज जो है ये आप नेट पर सर्च करते रहे क्योंकि के इस इथिकल हैकर्स जो होते हैं ना वो इसके बारे में बेहतर तरीके से ये जो वल्नरेबिलिटीज आती हैं इसमें में तो इथिकल हैकर्स हैं उनके फोरम्स हैं उनको आप ज्वाइन करें तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर हरी सवेद कोई इशू नहीं है तीन मंथ हुए हैं इंशाल्लाह तीन साल भी हो जाएंगे तीन सदियां भी गुजर जाएंगी खो को, कोई ऐसा इशू नहीं है जी देखिए हर 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 एक की अपनी एक अप्रोच होती है फास्ट कोडिंग से मुराद उनकी ये नहीं होती कि आप तेज़ी तेज़ी से कोड लिखें फास्ट कोडिंग की मुराद ये होती है कि जो वो प्रॉब्लम बताएं आप क्विकली उसको अंडरस्टैंड करें और उसके रिलेटेड सोल्यूशन रोहित कुमार मैं कुछ भी आउटसोर्स नहीं करता इसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि मे बी मैं ट्रस्ट नहीं करता किसी दूसरे पे शायद यही रीजन है कि मैं बिजनेस में भी नहीं आ सका जी अक्षर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रेडिस एज अ साइज सर्वर बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है यू आर राइट तो रीजन मैंने आपको वही है लेकिन खैर मैं देखूंगा इस पर टाइम निकला तो मैं इस पर एक सीरीज बना दूंगा तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कैसे सेटअप करते हैं मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा uh, पर काम करने के लिए फिर वो डेफिनेटली हमें एपीआई को यूज करना पड़ेगा अच्छा अहमद अली कह रहे हैं जी सर वर्ड्स वर्ल्ड प्रेस में ज़्यादा से अदर पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं बनाते हैं जी इनशाला ये मेरा प्लान था वर्ल्ड प्रेस को लेकर चलने का पहले मेरा प्लान था ए आई को लेकिन मैंने जो अपने चैनल का स्कोप देखा उसको जहन में रखते हुए मैंने भी यही आ, कहा कि बेस्ट है कि वर्ल्ड प्रेस को लेकर चला जाए इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और साथ में लारावल को डेफिनेटली जी, जी एस फेम्स पर इतना ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा अच्छा आई अली आई टीज अली कह रहे हैं कि टिप्स फॉर बेटर कोडिंग देखिए टिप्स जो होती है ना अब अगर बेशुमार टिप्स, की बात करूं, तो टिप्स हैं कि किस तरीके साथ बेटर कोडिंग सबसे जो पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो जहन में रखिएगा कि नो कोड इज अक्योर कोड और वो या फिर इन दूसरे दिक्योर कोड इज द कोड विच इज इन योर माइंड जो लिखा जा चुका है वह सिक्योर कोड नहीं है सो बेटर कोडिंग इज डन बाई फॉलोइंग समय जैसे सॉलिड रूल्स को आप फॉलो करें ऑब्जेक्ट ओरियंटेड अप्रोच को फॉलो करें प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के प्रॉपरली नेम रखें अपनी लॉजिक को बाकायदा कॉमेंटेड आउट करें ताकि दूसरा डेवलपर भी उसको समझ सकें uh,

ज़ैनुल्लाह बेदी आपने मुझे आई थिंक व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था इस ऑनलाइन आने के लिए हम्म हम्म जी 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 आज ही किया था जी हां मैं आपसे पूछना चाहता था कि पीएचपी की जो वेबसाइट हम बनाते हैं पहले तो गूगल उस पर एडसेंस देती है नंबर वन सवाल ये है और दूसरा ये है कि उसे हैकिंग से कैसे बचाया जाए अगर पीएचपी पर हमारे कमांड हासिल है तो ठीक है तो उस पर वेबसाइट बनाना ठीक है या फिर हम डायरेक्ट सी आई फोर में चले जाएं। अगर आपकी PHP पर कमांड अच्छी है तो स्टिल आप को इसलिए यूज करें कि इसकी रीजन कि इसकी रीज़न ये है काफी सारा बॉयलर प्लेट कोड स्पेशली सिक्योरिटी से रिलेटेड वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा जो बचत हो जाती है आपके टाइम की और अगर आप सी एम एस यूज करते हैं तो उससे और भी बेहतर हो जाती है आपकी जो आई मीन सिक्योरिटी है

तो उसकी मदद से कुछ लोगों ने उसमें अपलोडिंग कर दी वो पी फाइल या जी फाइल की फिर उसको डायरेक्टली रन करके उन्होंने हैक कर लिया था उनके सर्वर्स को तो कॉन्टेक्ट फॉर्म सेवन को फिर अपडेट किया गया था रिसेंटली जी वाला रशीद और तमाम दोस्तों को सलाम जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तो अभी हम सॉरी जैनुल दीन हाँ जैनुल दीन के साथ बात कर रहे थे तो इनका क्वेश्चन ठीक है सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि पीएचपी में काम करना चाहिए या सीएमएस या एमवीसी में तो अगर आपको पीएचपी एच ऊप के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आप सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से देन आई विल प्रेफर के आप जो है वो इन्हीं एम या सी को यूज करें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना टास्क परफॉर्म कर सके और दूसरी चीज जो, जो मैंने कही थी कि द ओनली सिक्योर कोड इज विच इज इन योर माइंड जो आपके जहन में है वही सिक्योर है जब वो लिखा जा चुका है तो उसके बाद वो सिक्योर नहीं रहा और सर गूगल एडसेंस के बारे में के पी देती है गूगल एडसेंसरी देखिए वर्डप्रेस की वेबसाइट पर गूगल एडसेंस अप्रूव होता है तो वो किस में बनी हुई है बेसिकली तो वर्डप्रेस में पीएचपी यूज हो रही है हम्म सबसे बड़ी रीजन जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करने की यही है एडसेंस जब आपका अप्रूव होता है तो एडसेंस आपको एक जावास्क्रिप्ट कोड देता है जो आपने हेड में एड करना होता है ओके okay? तो उस जावास्क्रिप्ट कोड का मकसद ही बताने का यह है कि आप इसको अप्रूव कर सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लिए जैसे अगर आपने पाइथन में सॉरी फ्लास्क या जेंगो फ्रेमवर्क में भी अगर अपनी ऐप बनाई है तो उस पर भी आप एडसेंस अप्रूव करा सकते हैं अच्छा ये, ये, ये। जी जी ये, यही ये पूछना था मुझे आपसे ओके जी जी, जी, जी आपकी राय यही है कि सी आई फोर को यूज किया जाए पी एच पी जी डेफिनेटली अगर आप सी आई फोर में काम कर सकते हैं तो पी एच पी में अच्छा काम कर सकते हैं तो, विल प्रेफर आप सी आई फोर को यूज करें बजाय इसके कि आप खुद से कोडिंग करें वो सारा कोड जो ऑलरेडी बॉयलर प्लेट बना हुआ है जैसे उसमें मॉडल बाइंडिंग है मॉडल से डाटा आप आसानी के साथ मॉडल को दूसरे मॉडल से रिलेट कर सकते हैं सो इट इज अ बेस्ट थिंग फॉर यू

लेकिन जब आपने उसको लिख दिया तो फिर वो हैक होने के चांसेस हैं उसमें अच्छा यहां पर किसी ने लिखा था कि के सर जब आप पढ़ाते हैं तो जरा एंथुजियाटिक होके एनर्जेटिक होके पढ़ाएं प्लीज सर समझ नहीं आया थोड़ा एनर्जेटिक होके पढ़ाइए प्लीज तो एनर्जेटिक हो के आप फिर बाफा एनर्जेटिक हो के ना ऐसी भी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है तो जब आप सोच समझ के बोल रहे होते हैं तो आप एनर्जेटिक नहीं हो सकते ब्लंटली जब आप बोल रहे हो ना और किसी स्पेसिफिक मतलब मैंने देखा है काफी सारे डिपर जब इस तरीके से बोल रहे होते हैं ना ब्लंटली तो वो कुछ ऐसी चीजें भी बोल जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं टू दी पॉइंट रहूं इवन देन मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स काफी लेंथी हो जाते हैं जी कुछ और कहना चाहेंगे जानूला बिदीन? नहीं ठीक नहीं, आपका शुक्रिया बहुत ओके जी ओके जी अगर और किसी ने भी कोई ज्वाइन करके पूछना हो क्वेश्चन तो दे कैन आस्क लिंक मैंने शेयर कर दिया अच्छा जी नोवेंस टेक्निकल कह रहे हैं बकवास अच्छा किस चीज को बकवास कह रहे हैं आप जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे अहमद अली इतना ज्यादा वर्ड प्रेस को ठीक है आपका जो वर्ड प्रेस में काफी एक्सपीरियंस हो गए तो इतना ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है नोवेंस टेक्निकल प्लीज थोड़ा सा ना आप किसी की हेल्प नहीं करते ओके अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आप मुझे कह रहे हैं शायद आप 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 कहीं वही तो नहीं जिन्होंने मुझसे आई थिंक इंस्टाग्राम पे बात की थी जी हाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ जाहिर बात है मैंने तो नहीं बनाया कोडिंग राइटर को मैंने तो नहीं लारावल को लिखा मैंने तो नहीं वर्ड प्रेस बनाया तो जाहिर बात है फिर मैं कोड को कॉपी पेस्ट ही करूँगा ना सो इसमें क्या चीज़ बुरी है अगर आप एक अच्छे कॉपी पेस्टर हैं तो अच्छे डेवलपर भी तो बन सकते हैं तो इसी से चीजों से आप इम्प्रूव देखिए कॉपी पेस्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं कोई गलत काम करूं कॉपी पेस्ट करने का मकसद एक सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है जब आपके पास कोड आपके पास लिखा हुआ अवेलेबल है देन मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना भी और आपका भी उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करूँ सो so, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा प्रोग्रामर मैंने शुरू में कहा था कि अच्छा प्रोग्रामर वही बन बनता है जो दूसरों का कोड को स्टडी करेगा दूसरों के कोड को स्टडी करके ही आप अपने कोड को बेहतर कर सकते हैं अभी जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म सेवन मैंने क्रिएट किया उसमें प्लगइन्स को यूज किया लेकिन फिर मैंने उन प्लगइन्स को कंबाइन कर लिया और रजिस्ट्रेशन वाला ही जो प्लगिन था उसके अंदर मैंने जो है वो लॉग वाला फीचर अपने कोडिंग करके उसमें इंक्लूड किया था जी जरूर नोमेंस टेक्निकल आप डिसलाइक करना चाहें तो मैं शायद आपको रोक तो नहीं सकता कि मैं या उससे कहूँ कि आप ना लाइक करें झूठ बोल ही हो ठीक है अगर आपको झूठ लगता है तो आप किसी दूसरे की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं यहाँ पर फिर आपको आने की जरूरत भी नहीं है सॉरी टू से <laughs> लुभा राम आप अभी तो खैर क्राइसिस चल रहे हैं पेंडेमिक है वो कोरोना वाला तो अभी तो इसमें कुछ नहीं कर किया जा सकता लेकिन आई थिंक वो जो गुरुद्वारे वाला था वहां तक तो आप आ ही सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जी सलाम एंड्रॉयड एडवांस टूटोरियल सीरीज टू थाउजेंड एंड एटीन जी यासर यही मैं उनको समझा रहा था कि इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट इस टाइप ऑफ लर्निंग सो गोना ब्लॉक यू अच्छा मुझे क्यों ब्लॉक कैसे करेंगे आप नोवेंस टेक्निकल क्योंकि आप मेरी लाइव स्ट्रीम में तो ब्लॉक तो मैं करना करूंगा ना आप कैसे मुझे ब्लॉक करेंगे जरा मुझे वो भी सिखाते हैं आप शायद हैकर तो नहीं है अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो मैंने अवैध शफीक इसी को फुल स्टैक कहा जाता है जब आप एक वक्त में मल्टीपल चीजें करते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों तो को हैंडल करते हैं जी हाँ। वालकुम अम शकील खान Uh, मैंने जो वेब डेवलपमेंट का कैरियर था वो 2010 से और uh, 2000 का एन था जी जी नोवेंस टेक्निकल कर सकते हैं आप रिपोर्ट करें आपको अगर मेरे बातों में आपको कोई ऐसी चीज लग लगती है कि सिर्फ इस बात पर अगर आप मुझे रिपोर्ट करें कि मैं आपकी हेल्प नहीं करता या किसी की भी हेल्प नहीं करता तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट करें कोई इसमें इशू नहीं है आपके साथ जो दो चार दोस्त और हैं उनको भी बता दीजिए ताकि आपकी कुछ थोड़ी सी रेपुटेशन तो बन जाए कि जब आप रिपोर्ट करें ये ना हो आप अकेले रिपोर्ट करते रहें तो उसको सुन, सुना ही ना जाए ग्राफ की पे मोहम्मद अब्दुल्ला मैंने क्रैश कोर्स बनाया हुआ है लेकिन अभी तक मैंने उसको जो है वो प्रॉपरली Uh, किसी टूल के साथ यूज नहीं किया मतलब रिएक्ट या व्यू के साथ यूज नहीं किया अलग से मैंने बनाया हुआ है अच्छा एन कह रहे अरे कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है कोई अब, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वो भाई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं सिर्फ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं उनको दिखाने दें जब वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली मैं उनको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा फिर उसके बाद वो जिसको भी रिपोर्ट करना चाहे रिपोर्ट कर सकते हैं अभी तक उन्होंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं की शायद मेरी वो टर्म्स या मेरी बातों के अगेंस्ट है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है होते हैं इस तरह के लोग भी कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है फैमिली मेसन सेशन फ्लैश डाटा बेसिकली एक टेम्परे सेशन uh, होता है जो कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट तक वैलिड होता है कि जब आप एक रिक्वेस्ट को मतलब एक यू को हिट करते हैं तो उस एक यू तक सेशन जो है वो सेव रहता है उसके बाद जैसे ही आप उसको रिफ्रेश करते हैं तो वो फ्लैश डाटा जो होता है वो सेशन में से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जो नॉर्मल सेशन होता है वो स्टे करता है जी देखिए गाइड की जुल, जुल, गाइड की जरूरत है मेरे जो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं चैनल पर वो आप देख सकते हैं अचानक कह रहे हैं सर फ्लटर कैन बीट रिएक्ट नेटिव इन फ्यूचर देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी तक जो है वो रिएक्ट का पलड़ा जो है वो भारी है एज कंपेयर टू फ्लटर आई थिंक वो बेस्ट uh, जो फ्री वेब होस्टिंग तो अभी है कोई नहीं है जो बेस्ट आपको बेस्ट फैसिलिटी दे और साथ में वो फ्री भी हो और जीरो जीरो वेब होस्टिंग ही है कंपनी जी बिल्कुल या सर आप लारवल सिक्स के साथ लारवल सिक्स को यूज करने का मकसद ये है कि जो लारवल सिक्स है उसके साथ जितने भी पैकेग पर पैकेज हैं वो पैकेजेस हैं वो काम करते हैं यूज कर सकते हैं और जहां तक बात करें लारा वलेट की तो उसमें जो उसका सिस्टम है वो अपग्रेडेड है तो मे बी देर आर चांसेस कि आप उसके साथ कोई पैकेज अगर यूज करना चाहें तो वो यूज ना हो जी हाँ फैमिली मैसेज़ नॉर्मली सेशंस को जो कोड होता है सेशन का कोड जो होता है वो कंट्रोलर्स में ही लिखा जाता है सिर्फ सेशन गेट जो है वो व्यूज में किया जाता है सेशन को जब आप सेट करते हैं तो वो डेफिनेटली आप कंट्रोलर्स में करते हैं और जब उसको गेट करते हैं तो वो आप व्यूज़ के अंदर करते हैं रेजर पे को अशोक मैंने रेजर पे को जेंगो वाले एक फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट किया था इसमें थोड़ी सी हैं इश्यूज़ ये उनकी ए पी को जो है ना उसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने उसका सैंड बॉक्स अकाउंट यूज किया था रेजर पे का लेकिन मुझे उसमें मुझे खुद भी उनकी जो ए इतनी पावरफुल नहीं लगी जी एंड्रॉयड एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज मैंने आपका कमेंट रीड किए हैं और आप, आप मैंने यहाँ पर ये यह लीजिए मैंने आपका कमेंट पिन भी कर दिया यहाँ पर अब आप आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा यासिर लारावल एट को आपको स्क्रैच से सीखने की जरूरत नहीं है लारावल सिक्स की सीरीज देखने के बाद आप सिर्फ मेरी वो सीरीज देख लें जिसमें मैंने लारावल एट के न्यू फीचर्स के बारे में बताया है तो आपको समझ आ जाएगी बाकी बिहाइंड द सीन वही लारावल सिक्स वाली कोडिंग स्ट्रक्चर यूज होगा अच्छा दिल कह रहे हैं कि आई एम इन यू एस एविंग एक्सपीरियंस इन एंड एंड आई नॉलेज वेब लाइक टू देखिये वर्ल्ड प्रेस इज अ गुड चॉइस और अगर आप उसके साथ कुछ और टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा नोट जे एस बी साथ सीख लें इट्स अ गुड थिंग क्योंकि इसमें जैसे वो मैंने कहा था कि फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं शकील खान क्या क्वेश्चन था आपका शकील खान आप अपना क्वेश्चन सॉरी एक दफा रिपीट कर दें जी वेलकम यासिर हारिश जावेद आप कह रहे हैं कि पैक लाइब्रेरी पर भी बना देखिये मैंने कभी लाइब्रेरीज को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मेरा जो बेसिक पर्पस है चाइल्ड टूटोरियल बनाने का वो जो मेन टूल्स है ना उनको इस्तेमाल करने का तरीका लाइब्रेरीज पर मैंने कभी भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया इवन अगर आप गौर करें मेरे ट्यूटोरियल्स पर तो आपको आ, ऐसे कोई टुटोरियल नहीं मिलेंगे जो कि इवन फर्स्ट पार्टी पैकेजेस के बहुत ज्यादा जैसे ये लारवल ऑफिशिय पैकेजेस हैं इन पर भी मैंने वही ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो बाय डिफॉल्ट लारवल के साथ इंस्टॉल होते हैं और शुरू में मैंने एक दो बनाए थे उसके बाद मैंने उनको कोई अपडेट भी नहीं किया तो मैं एफ एफ एम पैक लाइब्रेरी को भी देख लूंगा एक दफा देख लूंगा अगर इसकी रिक्वेस्ट है मेरा नहीं ख्याल इसकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि लाइब्रेरी को इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हर आई विल लुक इट अच्छा एंड्रॉयड एडवांस कह रहे हैं आपने वर्ड प्लस में यूजर्स की फील्ड तो देखी होगी मुझे उसमें एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना ही नहीं, नहीं जी आप अपनी वेब सीरीज में बता देंगे जी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे ट्यूटोरियल बनेगा कि हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा फील्ड्स इन योर प्रोफाइल जिनको आप फ्रंट एंड पे फिर एक्सेस भी कर सकते हैं रियक्ट हु पर मैं सीरीज बना चुका हूँ रियक्ट हुक्स की जो जो मेन हुक्स है वही इस वक्त मोस्टली यूज की जाती है उसके अलावा जितनी भी कम्बिनेशन ऑफ यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुए देखिए फैमिली मेसन ऑफिशियल एक्चुअली आप कहीं पर भी कोड लिखेंगे आपका काम करेगा द थिंग इज के जब आप एक एमवीसी यूज करते हैं तो आपको एमवीसी पैटर्न को फॉलो करना होता है सो so, इस सेंस में अगर देखा जाए तो जो कंट्रोल आपने जो चीज़ सेट करनी होती है वो कंट्रोलर्स के थ्रू कर, करते हैं और जो गेट करनी होती है वो आप व्यूज के थ्रू करते हैं अदरवाइज फिर एम पैटर्न को यूज करने का फायदा ही कोई नहीं अगर आपने हर चीज व्यू के अंदर ही करनी है क्यूरीज को भी आप रन कर सकते हैं अगर आप रन करना चाहें व्यूज में ही रन कर सकते हैं लेकिन फिर वो एमवीसी वाला जो पैटर्न है ना उस पैटर्न का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है जी मैं यजरा डाटा टेबल्स को देखूंगा कि उनकी लारावल एट की अपडेट आई है तो आई विल सी कि अगर उसमें मैं ट्यूटोरियल बनाने का टाइम हुआ तो डेफिनेटली मैं बना दूंगा अच्छा शकील खान ने जो क्वेश्चन किया वो ये है कि जावा फ्रेमवर्क से वेब एप्लीकेशन And address, sir, web अगर आप जावा की बात करें जो कि सन ए, की प्रोडक्ट जावा जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं रहे सो जावा के फ्रेमवर्क बेसिकली बात वही पे आ जाती है अगेन घूम के जी टूल्स हैं. ठीक है दोनों टूल्स हैं दोनों की मदद से एंगुलर जो है वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और ये फ्रंट एंड के लिए सिर्फ यूज किया जाता है जबकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको मल्टीपर्पजेज के लिए यूज किया जाता है द अंदर हैंड एंगुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड को हैंडल करता है एंगुलर के बैक एंड के लिए आप जावा को यूज कर सकते हैं नोड को यूज कर सकते हैं पीएचपी को यूज कर सकते हैं रूबी को यूज कर सकते हैं डिफरेंट सर्वर साइड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को आप यूज करके एंगुलर के थ्रू आप उनको कॉल कर सकते हैं हारिस uh, देखिए अगर आप क्विक अर्निंग करना चाह रहे हैं जल्दी से अर्निंग करना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस प्रेस जो है वो बेस्ट uh, चॉइस है पोर्टफोलियो एज अ डेवलपर सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर आप कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्निपेट्स बनाकर गिटअप पर शेयर करते रहे तो वो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बनता जाता है एस सी ओ रियक्ट रिया जो रिएक्ट है जो वो एस सी ओ फ्रेंडली नहीं है लेकिन इसको एस सी यू को रिएक्ट uh, मतलब रिएक्ट को एस सी ओ फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ पैकेजेस को यूज किया जाता है जैसे एस एस आर है जिसको सर्वर साइड रेंडरिंग कहा जाता है इसके अलावा हैमर uh, के नाम से इसका एक पैकेज है जिसकी मदद मतलब से आप डायरेक्ट मेटा इंफॉर्मेशन को हेड के अंदर इंजेक्ट करते हैं रन टाइम पर तो ये कुछ टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अच्छा एडवांस टू कह रहे हैं एक क्वेश्चन है है ये भी है कि जब हम ए सी एफ यूज करते हैं तो फील्ड बन जाती हैं तो मुझे वो फील्ड फ्रंट पे शो करवानी है विद द हेल्प ऑफ कोड थोड़ा कोडिंग में भी थोड़ा सा देखिए इसके लिए आपको जो ए सी एफ की ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पर सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि फ्रंट एंड पर आप किस तरीके से उस ग्रुप का नेम उस फील्ड का नेम देकर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर बिहाइंड सीन उसको किस तरीके से बेसिकली जब आप उसको फील्ड को फ्रंट एंड पे शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ए सी एफ उसका जो भी आप वैल्यू देते हैं उसको सेव करता है आ, नहीं आ, हजरत उमर मेरा इस पर कोई ट्यूटोरियल नहीं है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पे शोक कोई प्लान नहीं है रूबियान रेल्स का जी 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 कह सकते बिल्कुल वही और ROM वाली कहानी है Read only memory and random access memory. जी बिल्कुल ठीक कहा आपने केशवानी और अगर रिएक्ट को कंपेयर किया जाए तो रिएक्ट इज बेटर चॉइस इसकी रीजन ये है कि रिएक्ट को यूज करके आप डिफरेंट हाइब्रिड अप्लीकेशन भी बना सकते हैं देखिए मैंने उसके अहमद अली इसके लारावल के ऐसे कोई भी पैकेज ई कॉमर्स पैकेज के बारे में नहीं सर्च किया एक दो मैंने देखे थे कार्ट के लेकिन उनको मैंने कोई भी अपडेट करके चेक नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है तो आप खुद ट्राई कर लें आपको जो अच्छा लगे जिसकी समझ आसानी से आ जाए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं जी हाँ अक्षय बिल्कुल कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में भी बात होगी कस्टम मेन्यू के बारे में भी वो मेन्यू को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है और उसके कैसे वॉकर को कस्टमाइज़ किया जाता है वो उन सब पर मैं बनाऊंगा जी मोहम्मद रहमान आप अपना क्वेश्चन एक दफ़ा फिर पूछ लें आई एम श्योर वो स्क्रोल अप हो गया होगा इसलिए मैं उसका आंसर नहीं कर सका <laughs> <laughs> वही तो मैंने अभी हर इस बात की थोड़ी देर पहले कि वही कोर सिक्योर है जो आपके दिमाग में है तो बाकी उसके अलावा कुछ भी हो सकता है कुछ भी दिखाया जा सकता है या कुछ भी हो सकता है अच्छा जी यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप टिप्स कह रहे हैं सर आई वॉन्ट स्टार्ट रिएक्ट नेटी बट पीपल से फ्यूचर इज एफर इज फ्यूचर देखिए अगर आप रिएक्ट नेटिव अभी सीख लेते हैं और अच्छे से उसकी समय लग जाती है तो फ्लटर को भी सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिएक्ट नेटिव को पैराल चलेंगे दोनों रिएक्ट नेटिव फ्लटर दोनों में आप कर सकते हैं काम तो अभी तक मुझे फ्लटर पर मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की इसकी कोई इको को भी नहीं मैंने स्टडी किया इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता तो रिएक्ट नेटिव आई एम श्योर क्योंकि रिएक्ट की वजह से मैं रिएक्ट नेटिव को ज़्यादा बेहतर कहूँगा सर्टिफिकेशन देखिए सर्टिफिकेशन का पर्पस क्या होता है बेसिकली एक रिटर्न प्रूफ होता है कि आपने लारावल पर काम किया और ये प्रूफ मोस्टली कंपनीज कहती हैं काम करके दिखाओ हो सकता है सर्टिफिकेट की बेस पर आपको रख भी लें और बाद में उस सर्टिफिकेशन का कोई आपको एडवांटेज ना हो कोई अच्छा कोड अपना करके दो तो देन वर्क विल हैपन तो इसलिए सर्टिफिकेशन एक हद हाँ तक ओपन करने के लिए किसी मखसूस डोर को ओपन करने के लिए यूज़ हो सकती है सर्टिफिकेशन लेकिन एट द एंड ऑफ डे काम आपने करना है और काम नहीं होगा तो नहीं मेजेंटो इज नॉट अ लार्वल पैकेज मेजेंटो इज अ कम्प्लीट सीएमएस और ये जो है लेमिनस फ्रेमवर्क को भी यूज करता है पहले ये जेंट फ्रेमवर्क होता था अभी मेजेंटो जो है वो लेमिनस फ्रेमवर्क को यूज करता है लेमिनस इज अ पी एच पी एमवीसी पैटर्न एम वी सी फ्रेमवर्क अगर सर्टिफिकेशन में आपको काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं तो गो फॉर इट इसमें कोई इशू नहीं है जी नहीं मेजेंटो जो है वो जेंट फ्रेमवर्क पर बने है और जेंट फ्रेमवर्क की लेटेस्ट है वो लेमिनास uh, है लेमिनास फ्रेमवर्क लेमिनास एमवीसी फ्रेमवर्क जी uh, उजैर शरीफ डेफिनेटली सीखने को तो कोई उम्र नहीं है और सीखने की कोई कैद भी नहीं है जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं जरूर सीखें है। फ्लटर देखिए ये तो रिएक्ट नेटिव में भी आप दोनों बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव भी नेटिव लाइक एप्स बनाता है बोथ आईओ और एंड्रॉयड के लिए और फ्लटर भी आईओ और एंड्रॉयड दोनों के लिए एप्स क्रिएट करता है नेटिव लाइक लेकिन दोनों जो है वो नेटिव एप्स क्रिएट नहीं करते ये जहन में रखिएगा ना ही फ्लटर नेटिव एप्स क्रिएट करता है और ना ही रिएक्ट नेटिव जो है वो नेटिव ऐप क्रिएट करता है इनको कहते हैं नेटिव लाइक ऐप ये हाइब्रिड ऐप से थोड़ा सा ऊपर होती हैं और पीडब्ल्यू और हाईब्रेड ऐप से थोड़ा सा ऊपर होती हैं लेकिन नेटिव से थोड़ा सा नीचे होती हैं हैरिस जावेद ये जो मेरी वर्डप्रेस की सीरीज है ये एक ना खत्म होने वाली सीरीज होगी क्योंकि बहुत कुछ है वर्डप्रेस में कहने को करने को बताने को तो इसलिए इसको मैं कभी ये नहीं कह सकता कि 20 ट्यूटोरियल्स होंगे ये हर ट्यूटोरियल जो होगा इसका एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल होगा ये मैं जरूर करूंगा अच्छा मोहम्मद रबान कह रहे हैं स्लाइडर रेवोल्यूशन को ऐड करना है डब्ल्यू थीम में और डमी कंटेंट में एक दो स्लाइडर भी ऐड करनी है एक्सएमएल में तो प्रॉब्लम क्या है आपको इसमें स्लाइडर रेवोलेशन को ऐड करना तो जस्ट जिस तरीके से हम नॉर्मली प्लग को इंस्टॉल करते हैं तो उसी तरीके से इसको भी इंस्टॉल किया जाता है जी फोक गेम बिस्क में मैं भी वही सोच रहा हूँ ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर हो चुका है अगर आपको PHP सीखनी है Android एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज तो सबसे पहले PHP को ही सीखें उसके बाद आप फ्रेमवर्क्स या दूसरे टेक्नोलॉजीज पर आए ओके तो मैंने फोक गेम की रिक्वेस्ट को अप्रूव किया तो अभी मैं अपने इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर खत्म करता हूं मुझे खुद अब भी काफी नींद आ रही है मेरी आईज भी आई थिंक रेड होना शुरू हो चुकी है ये देख सकते हैं आप नींद की वजह से नींद आ, आ रही है तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने कहा ज्वाइन करने का क्वेश्चन करने का एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट के जो भी मुझे समझ आई आई एम नॉट द एंड पर्सन आप इसको अपने तौर पर भी और सर्च कीजिए जो आंसर्स मैंने किए हैं और इस वीडियो को एक दफ़ा फिर आप देख लीजिएगा जो आंसर मैंने किए हैं अगर वो आपको लगता है कि गलत है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर आप ज्वाइन करते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए and uh, with, with and being respect thank you very much for joining this live stream and asking your questions karunga uh, पूरी कोशिश ho डेली okay, thank you very much guys और गुड नाइट तमाम दोस्तों को और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उनके टाइम जोन के हिसाब से अगर कुछ एशियन से एशिया से हट के जैसे अभी एक यूएसए से भी हमें फॉलो कर रहे थे तो वहाँ पे आई थिंक सुबह हो रही है तो सुबह So, सबको उनके टाइम जोन के हिसाब से गुड नाइट थैंक यू वेरी मच अगेन और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा टेक केयर गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज